हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मॉक टेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस आ चुकी हैं और हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं अभी ओपन बुक एग्जाम की मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस थी वो रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही आई हैं और काफी सारे स्टेप्स और काफी सारे पॉइंट्स इनमें बताए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स को क्लियर होना बहुत जरूरी है तो देखते हैं क्या है वो पॉइंट्स तो सबसे पहले स्टेप वन बताया गया हमें देखें स्टेप वन में क्या लिखा है स्टेप वन में दो पॉइंट्स हैं द स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऑन द ड्यू पोर्टल इनिशियली द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द बेसिक डिटेल्स तो सबसे पहले तो अपने पोर्टल पर अपनी बेसिक डिटेल्स एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम नेम प्रोग्राम नेम में जैसे आपका बी ए प्रोग्राम आ, बी ए इंग्लिश ऑनर्स पुल साइंस ऑनर्स इस तरीके की चीज़ आएगी डेट ऑफ बर्थ टू यू नो योर सेल्फ एग्जामिनेशन रोल नंबर रजिस्टर्ड ई मेल आई डी एंड मोबाइल फ़ोन नंबर ये सब कुछ आपको फिल करना होगा और ये सारी डिटेल सबमिट करने के बाद आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा उसी पासवर्ड को आपको ई मेल या मोबाइल नंबर पर प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्टूडेंट्स फॉर दर्स्ट टाइम विल रिक्वायर्ड टू इंसर्ट अ पासवर्ड टू लॉग इन टू पोर्टल तो इसी पासवर्ड को आपको उस पोर्टल पर लॉग इन करना होगा जिससे कि आपको मॉक टेस्ट पेपर अपना मिलेगा तो प्लीज़ ये इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिएगा आप लोग स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं ऑन दी डेट ऑफ फाइनल ओ बी ई एग्जामिनेशन तो फाइनल ओ बी ई एग्जामिनेशन पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन सो सबसे पहले लॉग इन करना है इसी पोर्टल पर एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू और लॉग इन आपको एग्जामिनेशन का जो टाइम दिया गया उसे 30 मिनट पहले करके रखना है और जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे तो वहां पर एक क्लाक टिक, टिक 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 चलनी शुरू हो जाएगी जो कि डिस्प्ले करेगी कि एग्जाम स्टार्ट होने में कितना टाइम रहेगा और उसी ड्यूरेशन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिखाई जाएंगी उन इन्फॉर्मेशन में आ, सारी गाइडलाइंस होंगी स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपीयरिंग ओके द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन डाउनलोड बटन फिर अवेलेबल होगा आपको उस प्रिस्क्राइब टाइम पर एट द बिगिनिंग ऑफ एग्जामिनेशन और एक बार आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके पास फिर वो टिक 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 टाइम चलना शुरू हो जाएगा कि कितना टाइम अब बचा रह गया तो स्टूडेंट्स को क्लिक करना है डाउनलोड बटन पर डाउनलोड बटन पर वो क्लिक करेंगे फॉर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर ऑन देयर डेस्कटॉप और लैपटॉप और फोन वॉट एवर मीन्स दे फील कंफर्टेबल वहाँ वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर पर ही होंगे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स होंगे कॉमन सर्विस सेंटर्स पर कॉमन सर्विस सेंटर्स भी स्टूडेंट्स को अलॉट uh, किए जा सकते हैं एज़ पर देयर रिक्वेस्ट इसके लिए एक आई uh, है एक लिंक है जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप लोग लोकेट कर सकते हैं कि आपके घरों के आसपास कौन सा कॉमन सर्विस सेंटर है अगर आपके घर पर इंटरनेट की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है तो यू कैन रेफर टू दीज कॉमन सर्विस सेंटर्स आल्सो दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट क्या कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है इन एनी इफ इन एनी केस अ स्टूडेंट फेसेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग तो मैं पूरा पॉइंट नहीं पढ़ी अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउनलोडिंग में कोई डिफिकल्टी आती है तो द स्टूडेंट कैन कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट और एस से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द गिवन ईमेल आईडीज और प्रिस्क्राइब फ़ोन नंबर्स ये फोन नंबर आपको एस की वेबसाइट पर मिल जाएंगे या अपने कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएंगे हाउ एवर ये ऑप्शन जो है ये बहुत ही इमरजेंसी के केस में अप्लाई की जानी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ आपने ट्राई नहीं किया दूसरी बार और एकदम से अपने कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर लिया सो प्लीज़ ट्राई वंस टू आइज थ्राइस एंड देन ओनली गो फॉर दिस ऑप्शन तो आगे बढ़ते हैं आगे इस नोटिस में क्या लिखा है एज एन वेन द स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर द टाइम लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो तो उसका टाइम आपको कि आपको कब खत्म करना है तो वो आपके स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद स्टेप थ्री आता है टाइम ट्रैकिंग से रिलेटेड तो आपका टाइम कैसे ट्रैक होगा इस पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत बार हो चुका है तो थ्री आवर्स टोटल रहेंगे आ... स्टूडेंट्स के लिए और फाइव आवर्स रहेंगे दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तो द टोटल ड्यूरेशन ऑफ़ एग्जामिनेशन फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स विल बी फाइव आवर्स एंड अदर स्टूडेंट्स विल बी थ्री आवर्स अगर आपको कोई आई रिलेटेड चीज़ें एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए एक घंटा दिया गया आपको और दो घंटे एग्जामिनेशन के लिए दिए गए इस पॉइंट को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही करी ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इसका आ, मॉक टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा और क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं उसके लिए वो सब यहाँ पर डिफाइंड है मॉक टेस्ट शेल बी कंडक्टेड इन थ्री सेशंस तीन सेशंस रहेंगे मॉक टेस्ट के मॉक टेस्ट की भी डेट शीट आ चुकी है अगर कोई देखना चाहे तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन डी यू वेबसाइट में आपको ये तीन सेशन बता दूंगी जैसे ही मेरे पास डेट शीट आ जाएगी आई एल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो तीन सेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ सेवन थर्टी से लेकर टेन थर्टी तक का है एक सेशन एक सेशन है इलेवन थर्टी से लेकर मॉर्निंग की ही बात कर रही हूँ मैं इलेवन थर्टी से लेकर टू थर्टी तक का और एक और सेशन रहेगा दैट विल बी थ्री थर्टी थ्री थर्टी पी एम टू सेवन थर्टी पी एम थ्री थर्टी पी टू सिक्स थर्टी पी नॉट सेवन थर्टी तो इस तरीके से आपके तीन तीन घंटे के तीन शेड्यूल रहेंगे और आपको फोर्थ जुलाई से लेकर फोर्थ जुलाई से लेकर आपको मौका मिलेगा एट्थ जुलाई तक किसी भी आ, इस शेड्यूल में अपीयर करने का तो देर विल बी टोटल फिफ्टीन शेड्यूल्स उन फिफ्टीन शेड्यूल्स में से आप किसी भी एक शेड्यूल दो शेड्यूल या तीन में किसी में भी अपीयर कर सकते हो अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग जस्ट टू चेक कि किस तरीके से आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा दिस विल नॉट बी द रियल टेस्ट दिस विल बी मॉक टेस्ट अगेन आई एम टेलिंग की फोर्थ से लेकर एट्थ जुलाई तक ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो आगे बढ़ते हैं वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड इस स्टेप पर हूं मैं वंस द क्वेश्चन पेपर इज डाउनलोडेड द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड अपलोड अलाउड टू अपलोड द आंसर शीट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो तीन घंटे की टाइम लिमिट है उसके अंदर ही करना और दिव्यांग स्टूडेंट्स को पांच घंटे के तो ये तो बहुत कॉमन सा कंसेप्ट हो गया अब uh, अब आ जाते हैं आगे स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर्स ऑन दी ए फोर ए फोर साइज शीट तो ए फॉर साइज शीट के बारे में बारे में पहले नोटिस आया था कि इट विल बी प्लेन ऑनली लेकिन अब रूल्ड भी यूज कर सकते हैं आप ये आ गया नोटिस क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि प्लेन शीट पर लिखना थोड़ा सा टफ होता है विच इज एक्चुअली अ फैक्ट द आंसर्स आर टू बी रिटर्न ड्यूरिंग यूजिंग दी ब्लैक और ब्लू पेन ऑनली तो आप प्लीज़ किसी कलरफुल पेन को रेड को स्ट्रिक्टली यूज नहीं करिएगा रेड इज कंसिडर्ड फॉर चेकिंग एग्जामिनर्स ही यूज़ कर सकते हैं इसको तो so, स्टूडेंट्स अब क्या लिखेंगे दे विल राइट देर रोल नंबर देर नेम प्रोग्राम नेम सेमेस्टर कौन सेमेस्टर में हैं फर्स्ट uh, से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक के किसी के एग्जाम दे रहे हैं या अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइनल ईयर एनुअल uh, मोड में है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ईयर लिखेंगे यूनिक पेपर कोड लिखेंगे जो कि आपका सब्जेक्ट कोड होगा क्वेश्चन पेपर पर होगा पेपर का टाइटल लिखना होगा डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जिस दिन आप एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो ये सब आपको लिखना होगा फर्स्ट शीट ऑफ क्वेश्चन पेपर पर तो स्टूडेंट्स शुड यूज सेपरेट शीट्स टू आंसर ईच क्वेश्चन ये एक Uh, नए तरीके का कंसेप्ट है अगर आपका सपोज मान लीजिए ये पूरा पेपर का शीट है और हाफ पेज पर आपका प्रीवियस आंसर ख़त्म हो गया तो आपको यहाँ से लिखना नहीं शुरू करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट शीट लेनी है ठीक है अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर अपलोडिंग पर अपलोडिंग आंसर शीट अपलोडिंग में क्या खास है ये देखते हैं हम द स्टूडेंट्स विल स्कैन द रिटर्न पेजेज ऑफ द आंसर क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन फॉर ईच क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैन अपलोड सिंगल फाइल स्कैन ऑल शीट्स टूगेदर फॉर ईच क्वेश्चन और मल्टीपल फाइल्स तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने एक सब्जेक्ट uh, के लिए आप एक पी डी एफ बनाकर स्कैन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक एक क्वेश्चन के लिए अर, अगर अलग अलग करेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर टू अपलोड द आंसर शीट स्टूडेंट्स विल लॉग इन टू दी एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सिलेक्ट द टैब अपलोड आंसर तो आपको वहां पर टैब दिखेगा एक अपने पोर्टल पर अपलोड आंसर का उसको क्लिक करिएगा और उसके बाद आपके आंसर शीट्स को आप अपलोड कर पाएंगे तो मॉक टेस्ट में आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा कुछ भी डरने वाली बात नहीं है आगे बढ़ते हैं इस पर आ, इन केस अगर किसी भी रीजन से अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं तो सेम वे जैसे आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे तो आपने अपनी अपने डिपार्टमेंट को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट किया था सेम वे आप यही करेंगे अभी भी अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ इन केस इफ बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड रॉन्ग आंसर शीट तो अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है तब आप उसको चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर आप लॉग आउट कर चुके हैं या फिर आपका थ्री आवर्स या फाइव आवर्स का प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड खत्म हो चुका है तब आप कोई चेंज नहीं कर सकते तो आप प्लीज अच्छे से सब कुछ चेक कर लीजिएगा लॉग आउट करने से पहले और ये तीन घंटे और पांच घंटे का टाइम खत्म होने से पहले नेक्स्ट द स्टूडेंट शेल बी रिक्वायर टू सबमिट अ डेक्लेशन रिकार्डिंग यू एफ एम अब ये यू एफ एम क्या चीज़ है यू एफ एम से मतलब है कि किसी भी तरीके के अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करने हैं कि आपको कोई तरीके की किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करनी है एग्जाम में दैट इज़ अप टू यू एक्चुअली अपने साथ ऑनेस्ट आप रहेंगे तभी आप किसी और के साथ ऑनेस्ट रह पाएंगे सो यू नो बेटर कि आपने चीटिंग की या नहीं की तो आई विल सजेस्ट कि सब आंसर्स को अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखिए दैट विल बी गुड फॉर यू तो देखते हैं इस पॉइंट में आगे क्या लिखा है वंस द स्टूडेंट्स वंस द स्टूडेंट्स अपलोड ये तो हमने देख लिया था वंस द स्टूडेंट्स अपलोड ऑल दी स्कैन आंसर शीट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन दे शुड क्लिक द बटन ऑन द यूएफएम डिक्लेरेशन यू एफ एम मैंने आपको यही बताया अनफेड मीन्स आपको यूज नहीं करने हैं किसी भी तरीके के कोई चीटिंग नहीं करनी है कोशिश करिएगा अपने आंसर्स अपने हिसाब से अपने कंसेप्ट के हिसाब से ही लिखिए बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ अब देखते हैं कुछ स्पेशल नोटिफिकेशंस क्या हैं द मॉक टेस्ट इज नॉट एग्जैक्टली दो ओबीई एग्जामिनेशन तो ये मानकर मत चलेगा कि अरे वहां हमें तो क्वेश्चन पेपर मिल गया है और यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में ओ बी एग्जामिनेशन परफेक्टली डिफरेंट तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन पेपर के साथ एक्सेप्ट uh, किया जाएगा द मॉक टेस्ट इज बेस्ड ऑन दी प्रोसीजरल स्टेप तो मॉक टेस्ट आपको सिर्फ प्रोसीजर्स के लिए दिखाया जा रहा है ना कि आपको क्वेश्चन पेपर पहले से बताने के लिए और सी uh, एस की फैसिलिटी सी मैंने आपको बताया था कॉमन सर्विस सेंटर तो सी की फैसिलिटी अवेयर uh, अवेल कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं एज पर दी डेट शीट डेट शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डेट शीट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको इसी वीडियो में मॉक टेस्ट लिंक शेल बी एक्टिव ऑन फोर्थ जुलाई और फोर्थ जुलाई से लेकर एट जुलाई तक रहेंगे ये तो मैंने आपको बताया था एंड आई गिव द लिंक टू डेट शीट एज वेल मॉक टेस्ट लिंक्स विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट दैट इज सेकेंड जुलाई अब देखते हैं कुछ शेड्यूल के बारे में लिखा है क्या uh, द शेड्यूल ऑफ मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मॉक टेस्ट है ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए कंडक्ट uh, करवाया जा रहा है ना कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए सो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली हैज ऑलरेडी सेड दैट इन केस अ स्टूडेंट मिसेज आउट ऑन एनी ऑफ the ओपन बुक एग्जाम फॉर एनी ऑफ द रीजन दे विल बी गिवन एन opportunity टू अपीयर फॉर पेन and पेपर दैट इज नॉर्मल एग्जाम वेन द सिचुएशन normalizes. तो जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाती है आई विश सबको जल्दी से ठीक हो जाए तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई एग्जाम छूट गया है किसी भी रीजन Say, be it technical reason, be it personal reason, or whatsoever, they can appear for the exam as soon as the situation normalizes.